गाइस, वेलकम बैक टू द अर्थ चैनल स्टडी अब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो की एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जैसे कि वाओ, ये, उप्स, ये जो हम बोलते हैं ये क्या है, हमारे इंटरजेक्शन है। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कितने आपके इंटरजेक्शन होते हैं, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। पहले हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन होता क्या है, ठीक है? तो एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड और फ्रेजेस दैट शो सडन फीलिंग और इमोशन। इट मींस जो इंटरजेक्शन है वो कौन से वर्ड होते हैं, हमारे एक शॉर्ट वर्ड होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जो हमारे अचानक से जो हमारे इमोशन आते हैं। यहाँ पे लिखा है इमोशन एंड फीलिंग। अचानक से जो हमारी कोई फीलिंग आती है, कोई इमोशन आते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही फ्रेजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे ब्रावो, हुरे, अलास, ब्र, इव, बू, आउच। तो ये क्या है, हमारे इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ और हम बहुत सारे इंटरजेक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो इंटरजेक्शन है वो है करते हैं आप ऐसा, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हैं ताकि आप क्या है, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, आई डोंट नो। तो मतलब ये क्या कोई पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो मैंने क्या बोला, आई डोंट नो, मतलब मैं सोच ही रही हूँ। मतलब हम ऐसे करते हैं ना हिंदी में भी, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ सोच रहे हैं। तो वैसे इंग्लिश में जो ये है इसको आप कैसे यूज करेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है? ओ यू स्लेप्ट ऑन माय टॉर्च, ओ ओ तुम क्या है, तुम जो है मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, मेरे पैर के अंगूठे के ऊपर चढ़ गए। तो क्या बोलेंगे, ओ मतलब यहाँ पे हमें क्या पेन फील हो रहा है, ठीक है? अब देखेंगे उप्स, dropped it again, oops, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, oops, I dropped it again, मतलब oops क्या है, मैंने ये फिर से गिरा दिया, तो मैंने क्या बोला, oops, okay? Do you like it? Yeah, kind of. अब हम जब किसी से पूछ रहे, example हम किसी से पूछ रहे, तुम्हें ये पसंद आया, तो मैं सोच रही हूँ, yeah, kind of, हाँ, थोड़ा बहुत, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं, ew, it's so dirty. अब जो हम मतलब किसी से हमें कुछ चीज पसंद नहीं आती, मतलब हमें अजीब weird कोई चीज देख ली, तो हम क्या बोलते हैं, ew, करते हैं ना, ew, ew, it's so dirty, मतलब ये बहुत गंदा है, ये, I can't, यहाँ पे can't हो जाएगा, ओके, यहाँ पे आपका apostrophe लग जाएगा। I can't even touch it. मैं मतलब मैं इससे टच भी नहीं कर सकती, ये भी एक वही है कि मैं इसे टच भी नहीं कर सकती, आई कांट टच इट, आई कांट टच इट। ओह लुक एट द कैट, इट इज सो क्यूट। अब जब हमें कोई अच्छी सी चीज देख ली, हमने क्यूट पपी देख लिया, ओके, कोई जो छोटे बेबी होते हैं उनको भी हम ये करते हैं, ओह करते हैं ना, ओह लुक एट द कैट, इट्स सो क्यूट, ओह सो क्यूट। हम बेबी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बोलते हैं, ओह सो क्यूट। तो ये क्या है, शू, आई ऑल ऑफ यू आई एम डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, शू हम करते हैं ना, हिंदी में भी करते हैं हम ऐसे, तो वैसे इंग्लिश का भी ये है, ये क्या है आपके इंटरजेक्शन है, हम क्या बोलेंगे, शू ऑल ऑफ यू, मतलब ऑल ऑफ यू सब चुप हो जाओ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ। इट्स सो कूल करते हैं हम जब हमें ठंड लगती है, इट्स सो कोल्ड, तो ये बहुत ठंडा है, आज बहुत ठंडा है, ठीक है? से इट अगेन प्लीज। अब किसी ने कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलो, मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा से इट अगेन, से इट अगेन प्लीज, मतलब क्या आप फिर से बोलिए प्लीज, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, से इट अगेन, ठीक है? Bravo, you did great. अब जब हम क्या करते हैं किसी को, मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम करा है, हिंदी में बोला जाए तो किसी को शाबाशी देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, Bravo, you did great. तुमने अच्छा किया, Bravo, you did great. तुमने अच्छा किया. Hi, ये तो सिंपल है, Hi, hey, ये भी हमारे किस में आते हैं,
ये भी हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं, ठीक है। हम किसी को बोलते हैं हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग का मतलब भी वही होता है कि तुम कैसे हो। हे लिसन, हम किसी को बोलते हैं हे लिसन, हे सुनो, सुनो, तो हम क्या बोलते हैं हे, ओके, हाय, हाय हाउ आर यू, हाय, हैप्पी होली, हाय हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे बोलते हैं ना, लाइक दिस। अलास, आर यू कमिंग टुमारो, अलास नो। अब जो अलास है उसका यूज हम कब करते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, अगर हम मतलब अपना दुख प्रकट कर रहे हैं किसी के सामने, जैसे कि मैंने बोला कि तुम क्या तुम आ रहे हो, तो वो क्या बोल रहे हैं, अलास नो, मतलब सैड होके अलास नो, है ना, मतलब वो दुख अपना प्रकट कर रहे हैं। हुर्रे, इट्स टाइम टू गो होम। अब हम जब खुश होते तो हम क्या करते हैं, हुर्रे, इट्स टाइम टू गो होम, तो ये टाइम क्या घर जाने का है, हुर्रे, ये यू वॉन, यस, ये। अब क्या बोला, जो ये है वो कब यूज करोगे आप, यू वॉन, मतलब जैसे मैंने किसी से पूछा यू वॉन, तुम जीत गए, तो क्या बोला, यस, ये हम करते हैं, यस, ये, तो हम ये जो है ये हम अपनी क्या कर रहे हैं, खुशी इसमें प्रकट कर रहे हैं। मैं, देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट। अब जैसे आपको कुछ स्पेशल नहीं लगा, कुछ मतलब कुछ आप कहीं गए थे वहां आपको कुछ स्पेशल नहीं लगा, तो आपने आप क्या, मैं, there is nothing special, okay, there is nothing special, nah, there is nothing special, usme aap kya use kar rahe ho, main, okay, I'm trying to study, matlab main kya, main padhne ka prayas kar rahi hu, I'm trying to do something, matlab I'm trying to study, main padhne ki koshish kar rahi hu, hum kisi ko bolte hai na, jaise koi hamare chote bhai behan hai wo pareshan kare to hum kya bolenge, okay, I'm trying to study, जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें किसी को देखे गुस्सा आ रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, go or I will hit you, जाओ नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगी, लाइक दिस। Wow, did you do that? अब wow का यूज तो आपने सुना ही होगा, जब भी हम किसी चीज को देख के सरप्राइज होते हैं, हम क्या होते हैं, wow, हम बोलते हैं ऐसे, wow, that's great, wow, you can do it, yeah, why not? अब यह का हम मतलब यह हम मतलब yes में भी कर सकते हैं। किसी एग्जाम्पल फॉर आप किसी ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, तो मैंने बोला yeah, why not, हाँ क्यों नहीं, तो जो यह है वो आपका yes को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यिप्पी, it's raining, I don't need to go to school, यिप्पी। अब जो यिप्पी है उसका यूज अब किसमें करते हो, It's raining, I don't need to go school, ठीक है, क्या होगी, बारिश हो गई है, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, यिप्पी। आउच, दैट हर्ट्स। अब ये आउच का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कुछ चीज हर्ट्स होती है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पैर में कुछ चुभ गया है, हाथ में कुछ लग गया, तो हम क्या बोलते हैं, आउच, हमारे मुंह से खुद ही आवाज आ जाती है, आउच, है ना, तो जैसे कि मतलब दैट हर्ट्स, मतलब उसने मुझे क्या है, मतलब मुझे थोड़ी मुझे दर्द हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, आउच, ओके। सो गाइस, I hope you have understood everything, क्योंकि ये बहुत interesting था, आप बहुत कुछ इसमें सीखे होंगे कि हम इसको कैसे use करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं। Thanks for watching.